नमस्कार गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसको हम लोग पढ़ते हैं शाम के सात बजे और इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बातचीत को रखते हैं जारी और यू नेट दिसंबर 2023 के लिए जो हम लोगों का बेहतरीन प्रयास हो सकता है उस प्रयास के तहत कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी के तहत एक दूसरा प्रयास जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है जो शाम को पाँच बजे से एक क्लास होगी लगभग डेढ़ से दो घंटे की क्लास रहेगी लाइव आपके सबके सामने और एकदम फ्री उसका कहीं कोई चार्ज आपको नहीं देना है कंप्लीट कोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें और इन दैट थिंग हम लोग बातचीत करेंगे क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग वहां पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो पाँच बजे की जो क्लास होनी है वो टॉपिक वाइज होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी फॉर द बिगिनर्स एंड जो रिपीटर्स हैं जो बार बार एग्जाम देते रहे हैं उनके लिए भी वो क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी और दूसरी ये जो सात बजे क्लास होती है ये विशेष रूप से उनके लिए है जो रिपीटर्स हैं जो कई बार एग्जाम्स दे चुके हैं प्रिपरेशन करते रहे हैं उनकी प्रिपरेशन को और शार्प करने के लिए ये क्लास है तो भूलिएगा नहीं तो पंद्रह अगस्त से हम लोग एक नई क्लास पाँच बजे स्टार्ट करेंगे तो उसे आप सभी को ज्वाइन करना है उसके लिए आप रेडी रहें शाम पाँच से आठ का समय आप अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए निकाल लीजिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में आज के कुछ बीस क्वेश्चन हम लोग बीस टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और बढ़ते हैं आज की क्लास पर तो आज का पहला जो क्वेश्चन है पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है हु फॉलोइंग इज नॉट पिलग्रिम इन द कैटबरी टेल्स ठीक है तो कैंटरबरी टेल्स जो है इनमें से जो नीचे आपको चार दिए गए हैं उनमें से कौन सा पिलग्रिम नहीं है ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है ठीक है तो इसमें देखिएगा चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं हर्बडेशर है, है द टाइपस्टर है टैप्सियर है और ब्लैक स्मिथ है एंड समनर है इसमें चार ये हैं इसमें आपको ये बताना है कि कौन ऐसा था जो उसमें नहीं था देखिएगा तो अगर जो यूमेंस थे उसमें सारे के सारे थे लेकिन ये जो ऑप्शन सी uh, है आपका ठीक है ब्लैक स्मिथ ये आपका कैंटरबरी टेल्स के पिल्गम्स में नहीं था आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी ठीक है क्लियर और कैंटबरी टेल्स इंग्लिश पीरियड का बेस्ट वर्क है या ओनली वर्क कहा जा सकता है किसका चासर का और जो कि एक इनकम्प्लीट वर्क है टोटल ट्वेंटी फोर इसमें हैं और जिसमें से ट्वेंटी कम्प्लीट है फोर इनकम्प्लीट हैं और पहली टेल जो है वो नाइट्स टेल है और जो उसका विनर घोषित किया गया वो नाइट स्टेल थी नाइट को उसका विनर बताया गया है अगले सवाल पर चलते हैं बशोला इज़ अ कैरेक्टर इन बसोला जो है वो कहाँ का कैरेक्टर है ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है बोशोला इज अ कैरेक्टर इन कहाँ का कैरेक्टर है बोसेला बसोला ऑप्शन में आपको दिया गया है स्पेनिश ट्रेजडी वाइट डेविल द डचेस ऑफ मालफी और जीव ऑफ माल्टा इसमें से ये दोनों जो वर्क हैं वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ मालकी मालफी ये दोनों किसके हैं जॉन बेब्स्टर के वर्क हैं किसके जॉन वेबस्टर जॉन वेबस्टर के वर्क्स हैं ठीक है डचेस ऑफ मालफी है, 1614 का वर्क है ठीक है डचेस ऑफ मालफी बाय जॉन वेबस्टर एंड 1585 में आता है 1585 में आता है वाइट टेबल्स ठीक है इसके ऊपर स्पेनिश ट्रेजिडी है स्पेनिश ट्रेजिडी वॉज बाई थॉमस किड एंड इट्स पब्लिकेशन ईयर वॉज 1587 1587 का वर्क है बाय टॉमस किड टॉमस किड ये यूनिवर्सिटी में से एक थे और एक आखिरी जो बचता है जीव ऑफ माल्टा जीव ऑफ माल्टा का जो ईयर है वो है 1590 एंड दिस जियो ऑफ माल्टा वाज पब्लिश रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो ठीक है किसका वर्क है ये क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है ठीक क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है ठीक और तो आपका आंसर वही का वही है बोसोला जो कैरेक्टर है वो कहाँ का है बोसोला जो कैरेक्टर है डचेज ऑफ मालफी का कैरेक्टर है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अगला सवाल दैट इज द मिस्ट्री प्ले डील विद मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं देखिएगा uh, जो प्री आर्टिस्टिक ड्रामा था प्रिय आर्टिस्टिक ड्रामा मतलब आर्टिस्टिक ड्रामा से पहले के जो ड्रामा थे उसमें चार प्रकार के आपको मिलते हैं एक मिलता है मैराइकल प्ले ठीक है चलिए मिस्ट्री मिस्ट्री प्ले दूसरा है मेराकल प्ले ठीक है तीसरा है मोरालिटी प्ले ठीक और पांच चौथा है इंटरल्यूड्स ठीक है ये जो है चार प्रकार के बिगिनिंग में आपको प्लेस मिलते हैं जो मिस्ट्री प्लेस था ये किससे डील करता था स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ठीक है गॉड्स एंड गॉडेसेस मेराकल प्ले जो था दैट वाज रिलेटेड टू सेंट्स ठीक है सेंट्स एंड डियर मिरेकल्स मोरालिटी प्लेस जो थे यहाँ पर कॉमन मैन को एक्सेस था एंड टू टीच मोरालिटी टीच मोरालिटी ठीक है एंड इंटरल्यूट्स जो थे ये दो सीन्स या दो प्लेस के बीच का एक अंतराल भरने के लिए फिलर के रूप में यूज किया जाता था कॉमिक प्लेस हुआ करते थे ठीक है तो इसमें देखेंगे तो जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट है ठीक है लाइफ ऑफ क्राइस्ट से जो है रिलेटेड थे मिस्ट्री प्लेस ठीक है जो गॉड्स एंड गॉडसेज की मिस्ट्री थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट की मिस्ट्री थी वहाँ से जो रिलेटेड था वो था ऑप्शन ए यानी कि द लाइफ ऑफ क्राइस्ट मिस्ट्री प्लेस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है फेरी क्वीन इज बेस्ड ऑन फेरी क्वीन किस पर बेस्ड है तो फेरी क्वीन इज बेस्ड ऑन ऑरलैंडो फ्यूरियोसो ठीक है ओरलैंडो फ्यूरियोसो जो वर्क है ठीक है इसी पर बेस्ट जान है फेरी क्वीन फेरी क्वीन कौन किसका किस वर्क है फेरी क्वीन स्पेंसर का वर्क है ठीक है ओनली सिक्स बुक आपको मिलती हैं ठीक है बट इसका जो प्लान था वो ट्वेल्व बुक्स का टोटल प्लान था जिसमें से कुछ बुक्स जो है जल करके नष्ट हो गई अभी केवल सिक्स सरवाइव करती हैं और 7th का थोड़ा सा पार्ट सरवाइव करता है हर एक पार्ट में एक-एक नाइट की स्टोरी है अर्थेरियन से इसकी स्टोरी ली जाती है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है और चूज द the... करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पर सॉरी जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी ग्रेट ट्रेजडाइज का आपसे सीक्वेंस पूछा है तो ग्रेट ट्रेजडाइज का सिंपल सा सीक्वेंस आप याद रखिएगा एच ओ के एम एच ओ के एम मींस हैमलेट ओथेलो किंग लियर एंड मैकबेट ठीक है एच ओ के एम फोर ग्रेट ट्रेजडाइज तो एच ओ के एम सर्च करिए एच ओ के एम एच ओ के एम ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर अगर टाइमिंग भी आप याद रखना चाहें तो हेमलेट इज 1603 हेमलेट कब का है 1603 का है और ओथेलो है 1604 किंग लियर है 1606 1606 एंड मैकबेथ इज 1606 और 7 ठीक है ये इनका टाइमिंग है यही इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है वो क्या है ठीक है अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज थॉट फर्स्ट बाई टॉट फर्स्ट बाई तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है कैसे समअप होता है और समअप होता कैसे द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाई किसके जिसने इसको पहली बार पढ़ाया था किसने इसके विषय में तो हरेस के साथ इसकी जो एंडिंग होती है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियान जो है ये सेवनटीन अलेवन का में पब्लिश हुआ था 1711 में पब्लिश हुआ था अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है ठीक -E -E है ई एक्स ए एन टी आर अलेक्जेंडर पोप इनका फेमस वर्क है एंड जो एंडिंग है वो है यहां पर लिख लीजिएगा रूल्स A nation born to serve comma कमाबीज फिर से कम अगली लाइन है एंड बोल्यू स्टिल इन राइट ऑफ हो ऑफ हो स्वेज ठीक है ये लाइन है और यहां पर होरेस का जो नाम है यही मेंशन है यही आपका आंसर हो गया आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है स्विफ्ट टेल ऑफ अ टब ठीक है ये वर्क वर्क किसका है? है, जोनाथन स्विफ्ट का ठीक है टेल ऑफ टब जोनाथन स्विफ्ट जोनाथन स्विफ्ट ठीक है जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है टेल ऑफ अ टब एंड टेल ऑफ टब वाज पब्लिश्ड इन 1704 जीरो चार में पब्लिश होता है जोनाथन नाथन सिफ्ट का वर्क है ठीक है एक प्ले भी है यहीं पर एक लिख लीजिएगा एक प्ले भी इसी नाम का है ठीक है और टेल ऑफ है ये क्या है ये 1633 1633 या फिर 1640 1640 का वर्क है ठीक है किसने लिखा है बेन जॉनसन ये क्या है प्ले है प्ले बाई बेन जॉनसन बेन जॉनसन ठीक है इसको भी आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूछ क्या रहा है स्विफ्ट टेल ऑफ टब इज सटायर ऑन ये किस पर सटायर है ठीक है तो ये जो है एक सटायर है ऑन साइंस एंड फिलोसफी ठीक है जो टेल ऑफ टब है वो साइंस और फिलोसफी पर एक सटायर है ये आपको याद रखना है आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डॉक्टर जॉनसन स्टार्टेड डॉक्टर जॉनसन स्टार्टेड चार पीरियडिकल्स दिए गए हैं कौन सा पीरियडिकल डॉक्टर जॉनसन ने स्टार्ट किया था तो डॉक्टर जॉनसन ने रैमलर सॉरी रैमलर नहीं स्टार्ट किया था uh, हाँ रैमर स्टार्ट किया था ठीक है डॉक्टर जॉनसन ने रैमलर स्टार्ट किया था स्पेक्टेटर और टेटलर आप जानते हैं रिचर्ड स्टील और जोसेफ uh, एडिशन का है पोस्टमैन Postman... शायद बहुत का इसका किसने स्टार्ट किया था याद नहीं आता ठीक है अच्छा स्पेक्टेटर में याद रखिएगा स्पेक्टेटर का जो टाइम है वो सत्रह से सत्रह ठीक है किसने स्टार्ट किया था एडिशन एंड स्टील ठीक है एडिशन और स्टील और टेटलर जो है 1709 से 1711 ठीक है चलता है और इसको स्टार्ट करने वाले थे रिचर्ड स्टील एडिशन भी इसमें कंट्रीब्यूट करते थे ये टीटीएस आता था टीटीएस ठीक है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को ये पब्लिश होता था टीटीएस हफ्ते में तीन बार थ्राइस वीकली ठीक है और रेमलर जो था डॉक्टर जॉनसन का पीरियोडिकल था आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अच्छा रैमलर के लिए भी कुछ अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं रैमलर विजय में ठीक है बहुत इम्पोर्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रैमलर का जो टाइम है वो है 1700 से 1750 से सत्रह ठीक है एंड एक दूसरा पीरियडिकल जो है इसके अलावा एक कुछ और पीरियडिकल्स जो हैं उनको भी हम लोग देखते हैं तो कुछ और पीरियडिकल्स में एक पीरियडिकल है इनका जो यहां पर आइडलर द आइडलर द द आइडलर है और ये द आइडलर 1758 में शुरू होता है एंड 1760 में एंड होता है अगला है एक द एडवेंचर द एडवेंचर द एडवेंचर है और ये एडवेंचर जो है वो 1753 में स्टार्ट होता है एंड एंड होता है ये इन द ईयर 1754 54 में एंड होता है ये दो भी बड़े इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल्स हैं ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड सॉरी कॉशन अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ पॉपुलर लाइब्रेरी पॉपुलर लिबर्टी नॉट लाइब्रेरी ठीक है तो पॉपुलर लिबर्टी के अगेंस्ट किसने डेंजर्स के अगेंस्ट कॉशन दिया था ठीक है ये आपसे क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्क ठीक है आंसर जो है इसका एडमंड बर्क एडमंड बर्क ने जो है इसके विषय में कौशन दिया था अपने वर्क्स में ठीक है ओके आगे बढ़ेंगे विच फेमस अमेरिकन क्लासिक ओपन्स विद कॉल मी स्माइल बहुत ही फेमस लाइन है बहुत ही फेमस वर्क है डिक नावल है जो कि बिगिन होती है विद द लाइन कॉल मी स्माइल जो इसका नरेटर है वो है स्माइल और वो यहीं से लाइन को बिगिन करता है नावल को बिगिन करता है ठीक है डिक से ये लाइन ली गई है बाकी के वर्क्स में जरा देखेंगे आ, रेप वैंड विंकल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है क्या है ये शॉर्ट स्टोरी है ठीक है शॉर्ट स्टोरी है और किसने लिखा है वॉशिंगटन ने ठीक है वॉशिंगटन इरविंग की स्टोरी है ठीक है एटीन एटीन नाइनटीन में पब्लिश हुई थी ठीक है स्कारलेट लेटर्स फेमस अमेरिकन नॉवेल है और 1850 में पब्लिश हुई थी और यह वर्क है हैियल का नथानियल हथोर्न का वर्क है क्लियर आगे बढ़ेंगे एक और बचता है द ग्रीप्स ऑफ रैथ ठीक है काफी इंपॉर्टेंट वर्क है 1939 का नॉवेल है जॉन स्टीन बेक का जॉन स्टीन बेक का नॉवेल है क्लियर है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एलन गिन्सबर्ग्स विजन ऑफ अमेरिका इज इंस्पायर्ड बाय ठीक है एलन गिन्सबर्ग का जो विजन है अमेरिका का जो विजन है वो किससे इंस्पायर्ड है ठीक है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका जो विजन है वो किससे इंस्पायर्ड है यहां पर देखेंगे एडगर ए पोप का मतलब है एडगर एलन पोप और ऑप्शन में है वाल्ट विटमैन रॉबर्ट फास्ट राल्फ वालो एमरसन तो एलन गिन्सबर्ग का जो अमेरिकन आ, विजन ऑफ अमेरिका है वो किससे इंस्पायर्ड है तो इट इज इंस्पायर्ड बाय वाल्ट विटमैन वाल्ट विटमैन के जो अमेरिका से रिलेटेड आइडियाज थे उसी से इंस्पायर था आ, एलन गिन्सबर्ग का आइडियाज ठीक है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द श्रीलंकन डायस्पोरा ठीक है इनमें से श्रीलंकन डायस्पोरा को कौन रिप्रजेंट करता है तो चार ऑप्शन हैं आपके पास एक है एम जी वसानजी ठीक है माइकल ओनजी और सिरिल डेविडीन एंड ऑर्नल्ड एच इटवारू ठीक है ये आपके पास चार ऑप्शन हैं इसमें हम चारों देखते हैं जैसे ये आ, सबसे पहले एम जी वसानजी जो हैं ये जो है इंडियन डिसेंट के हैं और केन्या में बॉर्न थे ठीक है कीनिया बॉर्न कीनिया बॉर्न इंडियन इमीग्रेंट्स ठीक है टू इंडियन इमीग्रेंट्स ठीक है इंडियन इमिग्रेंट्स इनके जो फादर्स थे फादर और मदर थे पेरेंट्स थे जिनके उनसे ये बार हुए थे कीनिया में इनका बर्थ होता है एंड देयर आफ्टर ही इमिग्रेट्स टू एंड इनकी तंजानिया में इनको रेज किया जाता है बाद में ये आगे जाकर के अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में शिफ्ट होते हैं ठीक है तो इनको याद रखिएगा तो ये जो है श्रीलंका से रिलेटेड नहीं है माइकल आंजी जो हैं ये कैनेडियन राइटर हैं कहाँ से हैं श्रीलंकन श्रीलंकन कैनेडियन राइटर ठीक है श्रीलंकन कैनेडियन राइटर हैं माइकल ऑनजी ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अब इन दो को भी देख लेते हैं भाई शरुल डेविडीन जो है ये गोयाना में बॉर्न हुए थे ठीक है कहाँ के बॉर्न हैं? गोयाना गोयाना में बॉर्न हुए थे और किस डिसेंट के हैं ऑफ इंडियन डिसेंट ठीक है इंडियन डायस्पोरा में आते हैं ठीक है ठीक है इंडियन डायस्पोरा में आते हैं इसके बाद है आर्नल्ड एच इटवारू ठीक है आर्नल्ड एच इटवारू जो है ये गोयाना में पैदा हुए थे ठीक है इंडिया नहीं गोयाना के ही हैं कहाँ के हैं भैया है? ये गोयाना के ठीक है ना गुयाना के हैं ये इंडियन डिसेंट के हैं ये भी इनको भी इंडियन डिसेंट का हम लोग मान सकते हैं और ये श्रीलंकन है बाकी गुयाना के हैं आगे बढ़िएगा आउट ऑफ अफ्रीका इज अ फिल्म ये जो एक है ये आउट ऑफ अफ अफ्रीका जो है ये एक फिल्म है फिल्म अडाप्टेशन ऑफ अ वर्क बाई किसके द्वारा लिखे गए एक वर्क का एक फिल्म अडाप्टेशन है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आउट ऑफ अफ अफ्रीका जो है ये एक 1985 फिल्म है कब की है 1985 1985 फिल्म ठीक है 1985 में फिल्म बनी थी ठीक है और इट इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन ऑन 1937 थर्टी सेवन ऑटोबायोग्राफिकल बुक 1937 थर्टी सेवन ऑटोबायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल ठीक है नाम था उसका आउट ऑफ अफ्रीका आउट ऑफ अफ्रीका ये किताब का नाम था जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1937 में 1937 में इसका पब्लिकेशन हुआ था किसने लिखा था बाई आइजैक डिंसन आइजैक डिंसन ठीक है आइजैक जिनसन इसके राइटर हैं इन्होंने इस वर्क को आउट ऑफ अफ्रीका को लिखा था इन द ईयर 1937 में और इसी को एडॉप्ट करके फिल्म बनी थी कब इन द ईयर 1985, 1985 में ये बनी थी ठीक है अच्छा इसके अलावा ये और एक वर्क पर बेस्ड है इट इज आल्सो बेस्ड आल्सो बेस्ड ऑन Dinson's nineteen sixty book Shadows on the Grass Shadows on the Grass ग्रास एंड साइलेंस विल स्पीक एक वर्क ये सैडोज ऑन द ग्रास दूसरा है एंड दूसरा जो है उसका नाम है साइलेंस विल स्पीक साइलेंस विल स्पीक ठीक है साइलेंस विल स्पीक ये दो वर्क हैं, इन पर भी थोड़ा बहुत कहानी ली गई है और ये जो साइलेंस विल स्पीक जो वर्क है यह लिखा है किसने दिस इज बाई एरोल बाई एरॉल त्रजिंकी त्रजिंकी टी आरई टी आर, आर जेड ई बी आई एन एसके आई ठीक है ये इसके राइटर हैं इन दो और किताबों पर भी ये कहानी थोड़ा थोड़ा बेस्ड है जो फिल्म है ये थोड़ा थोड़ा बेस्ड है अब इसमें जो नाम दिए गए हैं आपको एलिस वाकर है मार्गेट लॉरेंस हैं मार्गेट एटवुड हैं एलिस मुन्रो हैं चार के चारों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हैं क्लियर आपका आंसर क्या हो जाएगा आइजैक डिनसेन ठीक है आइजैक डिनसेन क्लियर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट दैट uh, इज़ एम्पायर राइट्स बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एम्पायर राइट्स बैक ठीक है पोस्ट कोलोनियल थियरी से रिलेटेड वर्क है एम्पायर राइट्स बैक वॉज रिटर्न बाई किसने लिखा था ये बिल एसक्राफ्ट जो है इसके मेन राइटर है तो बिल एसक्राफ्ट जो है चारों में है तो बिल एस्क्राफ्ट तो हो गए बाकी बिल एस्क्राफ्ट के साथ किसने जो है इसमें हेलन टिफिन एंड गैरथ ग्रिफिथ्स ठीक है बिले क्राफ्ट हेलन टिफिन और गैरथ ग्रिफिट्स इन तीन लोगों ने मिलकर के इसको कोलेबरेशन में इस वर्क को लिखा था जिसका नाम था एम्पायर टॉक्स बैक और ये जो वर्क है एम्पायर टॉक्स बैक पब्लिश हुआ था नाइनटीन में उन्नीस में ये वर्क पब्लिश हुआ था किससे रिलेटेड है नॉन फिक्शन वर्क है नॉन फिक्शन ठीक है और किससे रिलेटेड है पोस्ट कोलोनियल पोस्ट कोलोनियल थियरी ठीक है पोस्ट कोलोनियल थियरी से रिलेटेड है इसका सब टाइटिल है सब टाइटिल ठीक है सब टाइटिल इसका लिखिएगा थियरी एंड प्रैक्टिस थियोरी एंड प्रैक्टिस थियरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर इन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर ठीक है थियोरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर ये जो है आ, इसका सब टाइटल याद रखिएगा 1989 नॉन फिक्शन वर्क है पोस्ट कोलोनियल थियरी पर बेस्ड है या पोस्ट कोलोनियल थियरी की किताब है एंड लिखा है बेलास्क्राफ्ट हेलन टिफिन और गैरथ ग्रिफिथ्स ने कोलैबोरेशन में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई आ, अगला क्वेश्चन है दैट इज थिएटर ऑफ क्रुएल्टी इज़ एसोसिएटेड विद जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है ये किससे एसोसिएटेड है ये एंटोनिन एटॉड से रिलेटेड है इन्होंने इस पर काम किया थिएटर ऑफ क्रियलिटी किसका है एंटोनिन एटॉर्ड का बस इतना ही इसमें याद रखना है बाकी कुछ है नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन आगे है अ पार्टिकल ठीक है अ पार्टिकल इज ये पार्टिकल क्या है ठीक है इट इज अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैसेजेस ठीक है ये पार्टिकल क्या है ये पैचवर्क है किसी वर्ड का किसी सेंटेंस का किसी पैसेज का यानी कि कहीं से कोई वर्ड कोई फ्रेज कोई पैसेज कोई सेंटेंस लेकर के कहीं पर रख दिया जाए किसी वर्क में मेंशन कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं पार्टिकल कहते हैं ठीक है ठीके? और इस वर्क को पैचवर्क पनोरमा कहा जाता है आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट है दैट इज़ केयरलेस इज सी इज़ विद आर्टफुल केयर केयरलेस सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड तो ये जो है भाई अपने आप में कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट है दिस इज वाई ये क्या है ये पैराडॉक्स है ठीक है इस क्या है ये किसका एग्जाम्पल है ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल क्यों एक तरफ तो कह रहा है केयरलेस दूसरी तरफ सामने कह दे रहा है कि आर्टफुल केयर तो केयर के साथ केयरलेसनेस कैसे होगी दैट इज़ वाई दिस इज सेल्फ uh, कॉन्ट्रोडिक्ट्री इसी तरीके से दूसरी लाइन भी अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड अफेक्टिंग एंड अनअफेक्टेड दोनों एक साथ में है तो ये कैसा स्टेटमेंट है ये पैराडॉक्सडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ठीक है ये पैराडॉक्स है बाकी के तीन क्या है आयरनी है सिमली है आयरनी क्या होता है एक तरीके से व्यंग होता है सिमली क्या है जब दो डिफरेंट चीज़ों को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कामन होने की वजह से हम लोग कंपेयर करते हैं उसको सिमली कहते हैं जैसे विलियम शेक्सपियर की जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें जो मर्सी की स्पीच है वहां पर लाइन आती है इट एज जेंटल रेन फ्रॉम मर्सी के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर मर्सी और रेन को कंपेयर किया गया है, उसके से नीचे आने को कि मेटाफर जो है वो एक इम्प्लाइड सिमली है यहाँ पर लाइक सो एज का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पर डायरेक्ट बताया जाता है कि ये चीज ये है ठीक है एक वस्तु का दूसरे में भेद रहित आरोप किया जाता है उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं क्लियर है आगे बढ़ेंगे अमेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग सॉरी अमेट्रिकल फूड कंटेनिंग अस्ट्रेस्ट फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड ठीक है पहले क्या है स्ट्रेस है उसके बाद अनस्ट्रेस है अगर ये यू एस होता तो इसको हम लोग कहते आइम्ब ठीक है क्या कहते भैया इसको हम लोग कहते आइम्ब और अगर ये एस यू है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आइम का उल्टा ट्रोकी ठीक है आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू की तो आइम क्या है यह है यूएस ठीक है एनापेस्ट क्या है एनापेस्ट है यू यू एस दो अनस्ट्रेस फॉलोड स्ट्रेस और ये क्या है एस यू है ठीक है ये एस यू है और डेक्टाइल जो है डेक्टाइल वो एनापेस्ट का भी उल्टा है एस यू यू ये जो है आपका डेक्टाइल होगा यही कोड आप याद रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आगे बढ़िए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइम स्कीम इन स्पेंसेरियन सोनेट स्पेंसर के सोनेट में क्या राइम स्कीम फॉलो किया जाता है ये आपके सामने क्वेश्चन है तो ए बी ए बी सॉरी ए बी ए बी बी सी बी ये नहीं भाई ये गलत लिख गया है ये, ये 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 गलत 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 ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी और ई यही आपका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन गलत लिखा गया है ठीक है आंसर वही होना चाहिए था ऑप्शन जो है डी आपका यही करेक्ट हो जाएगा ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई और शेक्सपियर का क्या होता है शेक्सपियर का होता है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी अब इसमें क्या अंतर है दोनों में यहाँ पर इसमें जो दूसरा वाला राइम है ठीक है स्पेंसर में जो दूसरा वाला राइम है वो अगले चार स्टैंड पहला वाला कन, जो है रिपीट हो जाता है यहाँ पर देखिएगा सी रिपीट हो गया अगले में यहाँ पर बी रिपीट हो गया अगले में ठीक है इसलिए ई e पर एंड हो जा रहा है यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है ए बी ए बी सी डी सी डी ठीक है और ई एफ ई एफ ठीक ये जो है आपका आंसर हो गया ये शेक्सपियर का है ये किसका है शेक्सपियर ये आ, अच्छा एक बात याद रखिए शेक्सपियर की जो राइम स्कीम है ये चार बार चार बार नहीं पांच बार पूछी गई है ठीक है यूजीसी नेट के एग्जाम में पांच बार पूछी गई है 2017 तक में और ये जो है शायद दो या तीन बार पूछी गई है ठीक है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन तीन बार चार बार पांच बार रिपीट होते हैं तो मान करके चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल है आखिरी क्वेश्चन है यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ देखिए क्राउन का यूज मोनार्की के लिए यूज करना क्या है मोनार्की के सॉरी मोनार्की के लिए क्राउन का यूज करना ये है मेटोनमी मेटोनमी में क्या होता है कोई नियरेस्ट वर्ड जो है किसी वर्ड के जगह पर यूज कर लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेटोनमी इसके अलावा सेनेगडोकी है सिनेग्डोकी में कोई आ, जो है पार्ट इज मेड ऑफ मेड टू रिप्रेजेंट द होल आर वाइस वर्सा ठीक है कोई पार्ट है होल को रिप्रेजेंट कर रहा है या होल है वो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिनेग्डोकी होता है आर्मी हम लोग पीछे चर्चा की मेटाफर हम लोगों ने पीछे चर्चा की तो ये हो गया आपका आज का क्लास एक बार फिर से आज के बीस क्वेश्चंस हम लोग रिपीट कर लेते हैं और देखते हैं भाई क्या चीजें हैं चलिए पहला क्वेश्चन था कि कैंटरबरी टेल तो ब्लैक स्मिथ नहीं है टैप्सर है टैप है और समनर है और बोसोला कहाँ का कैरेक्टर है डचेज ऑफ मालफी का कैरेक्टर है जॉन वेबस्टर का वर्क है 1614 में पब्लिश हुआ था अगला सवाल है मिस्ट्री प्लेस किससे रिलेटेड है लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड गॉड ठीक है आगे देखिएगा फेरी क्वीन जो है वो स्पेंसर का वर्क है सिक्स बुक में अवेलेबल है सातवीं का थोड़ा पार्ट अवेलेबल है टोटल ट्वेल्व बुक हैं और हर एक बुक में एक अलग नाइट है किससे इंस्पायर्ड है किस पर बेस्ड है ओरलैंडो फ्यूरियोसो पर बेस्ड है आगे सवाल है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजडीज हैं एच ओके हम याद रखिएगा है हेमलेट ओथेलो किंगलियर और मैकबेथ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आगे देखेंगे नेक्स्ट है पोप्स एशिया ऑन कटम सम्स किसके साथ सम अप होता है होरेस के साथ लाइन आपको दी गई द रूल अ नेशन बॉन टू श्रिव ओबेज एंड बायलियस स्टिल इन राइट होरेस रेस स्वेज तो यहां से आपको होरेस मिलते हैं यही आपसे आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी होरेस आगे देखेंगे नेक्स्ट है स्विफ्ट स्टेल ऑफ टब जो है 1704 का वर्क है ठीक है किससे किस पर सटायर है ये साइंस और फिलॉसफी पर सटायर है डॉक्टर जॉनसन का स्टार्ट किया हुआ जो पीरियडिकल है वो रेमलर है ठीक है 1750 से सत्रह में पब्लिश हुआ था ठीक आगे अगला जो क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कॉशन अगेंस्ट द डेंजर्स ठीक है ऑफ पॉपुलर लिबर्टी पॉपुलर लिबर्टी के डेंजर के अगेंस्ट कौन कह जो है कॉशन करता है एडमंड बर्ग अगला क्वेश्चन है विच फेमस अमेरिकन क्लासिक ओपन विथ कालमी स्माइल मोवीडिक की शुरुआती लाइन है आगे बढ़ेंगे अच्छा मोबीडिक हरमन मेलबिली का फेमस वर्क है अगला है एलन गिन्सबर्ग विजन ऑफ अमेरिका इज इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय वाल्ट विटमैन ठीक है एलन गिन्सबर्ग का जो विजन ऑफ अमेरिका है वाल्ट विटमैन से इंस्पायर्ड है अगला देखेंगे हु एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट श्रीलंकन डायस्पोरा तो इसमें माइकल ओइी जो है ये श्रीलंकन डायस्पोरा के राइटर है कई बार इन पर यह क्वेश्चन बन चुका है आगे देखेंगे आउट ऑफ अफ्रीका एक फिल्म है किस पर बेस्ड है तीन वर्क्स हैं एक वर्क है, Africa, है एक आ, आउट ऑफ अफ्रीका फिल्म है सॉरी एक आउट ऑफ अफ्रीका 1937 का सेवन का वर्क है आइजैक डिनसेन का वर्क है इसके साथ साथ दो वर्क पर और बेस्ड है ये आइजैक डिनसेन का ही 1960 का वर्क है ठीक है 1960 का वर्क है सहडोज ऑन द ग्रास और एक दूसरे राइटर हैं एरोल एरोल त्रज़ीम बिन्सकी ठीक है एरोल त्रजीबिंसकी इनका वर्क है साइलेंस विल स्पीक तो इन तीन वर्क्स पर बेस्ड है प्राइमरली किस पर बेस्ड है आउट ऑफ़ अफ्रीका पर इसके राइटर हैं तो आपके इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं अगला है एम्प्रो राइट्स बैक किसका वर्क है बिल एस हेलेन हेलन टिफिन और गैरथ ग्रिफिथ का जिसका सब टाइटल है थियरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर 1989 का वर्क है अगला है द थिएटर ऑफ क्रुवल्टी एंटोनियन का एसोसिएशन है और उसके बाद पार्टिकल है क्या पार्टिकल इज अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स सेंटेंस एंड पैसेज ठीक है केयरलेसनेस केयरलेस इज सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनएफेक्टेड ये क्या है पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है अगला है कि जो मेट्रिकल फूट है जिसमें स्ट्रेस पहले आता है फॉलोड बाई अनस्ट्रेस होता है एस यू है तो वो क्या है वो एक ट्रोकी है यूएस होता तो आई एम होता यू यू एस होता तो एनापेस्ट होता और डेक्टाइल है तो एस यू यू होगा ठीक है और इस्पेंसेरियन सोनेट का राइम स्कीम आपसे पूछा है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई स्पेंसेरियन का हो जाएगा और शेक्सपियरियन पूछता है तो ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम हो जाएगा आगे है क्राउन का यूज़ मोनार्की के लिए अगर किया गया है तो ये किसका एग्जाम्पल है ये मेटोनमी का एग्ज़ाम्पल है बस इसी इतने के साथ हम लोगों ने की आज की क्लास को ख़त्म ठीक है आज की क्लास इसी के साथ हम लोग करते हैं समप मिलेंगे कल शाम के सात बजे और पंद्रह अगस्त से आप सभी को तैयार रहना है एक नई क्लास के लिए जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज यू जी नेट के सिलेबस एकदम डिटेल में डेढ़ से दो घंटे का क्लास रहेगा और पूरा लाइव फ्री ठीक है चलते हैं कल मिलेंगे सात बजे नई क्लास में नए वीडियो में तब तक नमस्कार जय हिंद